हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आ चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। आई होप आप लोग फिट और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हो आईफोन 11 का हैंड कैम प्लस आईफोन 11 का 2024 पबजी टेस्ट। आईफोन 11 2024 में कैसा परफॉर्म करता है और इसमें कितना लैग, हीट अप और इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास आईफोन 11 है या आप आईफोन 11 बाय करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ आप आज के गेम प्ले को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हाँ तो भाई, बात करते हैं आईफोन 11 की। आज से 6 माह पहले मैंने आईफोन 11 बाय किया था। इससे पहले मैं खेलता था एक एंड्रॉयड डिवाइस पर, नॉन जायरो टेक्नो पोवा पर, जो कि एक 40 FPS डिवाइस थी। बहुत ज़्यादा लैग करती थी और मेरी ड्रीम डिवाइस थी आईफोन 11, जो कि 70,000 का ऑलमोस्ट मेरा बजट था। और मैंने आईफोन 11 6 माह पहले बाय किया। आईफोन 11 को बाय करने की मेन रीज़न थी कि मैं स्ट्रीमिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चाहता था। इससे पहले मैंने आईफोन यूज़ नहीं किया था तो मुझे इसके हीटअप और लैग वगैरह का इतना आइडिया भी नहीं था। तो आज इसको यूज़ करते हुए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए मैं अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करता हूं कि बिल्कुल आपका आईफोन 11 जनाब बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है अगर आपके पास कूलिंग फ़ैन नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 11 है और आप सोच रहे हो कि कौन सा कूलिंग फ़ैन लूँ, तो भाई आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बंदे से फाइट लेने की ट्राई करता हूँ। लेग चेन भाई मेन इवेंट से अलग पड़ती है और सामने वाला एक अलहदा बंदा होता है। खैर, रिवेंज तो हम अपना लेंगे और मैं रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर ही वापस आता हूँ। अगर तो भाई आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ आईफोन 11 लेकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और भाई स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कूलिंग फ़ैन लेना ज़रूरी होगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिली, क्योंकि मैं एंड्रॉयड प्लेयर था, एंड्रॉयड में मुझे चार्जर और हैंडफ्री के अलग-अलग पोर्ट्स मिलती थी तो मैं दोनों यूज़ कर सकता था। लेकिन आईफोन 11 में ऐसा नहीं है। या तो आप चार्जिंग कर सकते हो या फिर आप हैंडफ्री यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर मैं पसंद करता था रेंगल खेलना और आईफोन में मुझे बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है। ये वही बंदे आते हैं जिन्होंने मैं मारा था। Awesome. एक से दो क्लासिक मैच खेलने के बाद आपको बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है, तो आपको चाहिए होगा एक स्प्लिटर, जो कि बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप गेम प्ले भी कर सकें और साथ में हैंड फ्री भी यूज़ कर सकें। और ये दोनों चीज़ें आपको ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास मिलेंगी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल लैग नहीं करने वाला और ईजीली आप गेम प्ले कर सकते हो। कल मैंने 5 घंटे की स्ट्रीम की और बिल्कुल भी मुझे कोई इशू फेस करने को नहीं मिला। अगर आप 1v1 करना चाहते हो तो भाई लाइव स्ट्रीम पर रात को आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और क्लासिक मैचेस भी हम लोग खेलेंगे। अभी आप लोग करो हैंडकैम को एंजॉय और आईफोन 11 की परफॉर्मेंस का आपको वीडियो को देखते देखते अंदाजा हो जाएगा। वीडियो में इंटेंस क्लचेस होने वाले हैं और इंटेंस फाइट में भी आपको परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाएगा कि आईफोन 11 कैसा परफॉर्म करता है। ये मेरी फर्स्ट हैंडकैम वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं और भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। आप लोग करो गेम प्ले को एंजॉय, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Watch out! Help! Mark the location. I'm recalling a teammate.
marked a location. आगे दुश्मन है. Awesome. हाँ तो भाई आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.